ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने में कई सारे बड़े ग्रह अपनी चाल परिवर्तन करने वाले हैं। हर एक ग्रह निश्चित काल के बाद अपनी चाल बदलते हैं। चाल परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है। इन सभी 12 राशियों में कुछ राशियों के लिए चाल परिवर्तन अच्छा होता है। राशि परिवर्तन के साथ ही कई साल के बाद कई ग्रहों की युति भी बनने जा रही है। इससे कई राशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आइए देवघर के ज्योतिष आचार्य जी से जानते हैं कि मार्च महीने में कौन कौन से बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इनसे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जी, मार्च महीने में किस तारीख को बुध आदित्य राजयोग बन रहा है और बुध आदित्य राजयोग से किन राशि वालों को सकारात्मक लाभ पहुंचने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस मार्च महीने में सूर्य और बुध एक ही राशि पर रहेंगे, मीन राशि पर, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो बुधादित्य राज योग में आता है, यह राज योग का लक्षण है, जिसे एक साथ सूर्य और बुध का होना ये राशियों के लिए तो अच्छा प्रभाव है ही, साथ ही साथ देश के लिए भी बहुत अच्छा सुंदर सा मौका है। हमारे देश की प्रगति के लिए यह सहायक होगा बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग मार्च महीने में जो एक साथ राज योग बना रहे हैं, इसमें तीन राशि वालों के ऊपर विशेष कृपा होने जा रही है। तो तीन राशि वाले जो हैं वृषभ, कर्क और मीन, ये तीन राशि वाले के ऊपर बुधादित्य योग का प्रभाव जो पड़ेगा, जिससे व्यापार में लाभ होगा। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, और यदि परीक्षार्थी हैं तो पढ़ने में मन लगेगा, नौकरी करने वाले का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। ये तीन राशि वालों को स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। और यदि आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। यह बुधादित्य योग आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालने वाला है। लोकलिटीन देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य के अनुसार है। लोकलिटीन इसकी पुष्टि नहीं करता है।